जर्नलिस्ट, ए ग्रेड फिल्म जर्नलिस्ट राजीव मसंद। राजीव मसंद ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की बुराई करते थे, वो इतना सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते थे कि उन्होंने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर एक ट्वीट भी नहीं किया। ये उनके ऊपर 2017 से ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख रहे थे और उनको स्कर्ट चेसर से लेके अल्कोहलिक से लेकर सब कुछ जो भी उन्हें कहना था सब कह चुके, मगर ये राजीव मसंद की हिपोक्रेसी एक्सपोज करना आज हमारा धर्म बनता है, क्योंकि राजीव मसंद जैसे और भी जर्नलिस्ट हैं जो नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। राजीव मसंद आलिया भट्ट को पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने कलंक, डियर जिंदगी और उड़ता पंजाब जैसी फिल्में पाई, तो आलिया भट्ट कहती है कि वो इन फिल्मों को पाने के लिए डायरेक्टर्स के ऑफिस में गई और उन्होंने कहा उन डायरेक्टर्स को कि मुझे ये फिल्में करनी है, अगर आप मुझे ये रोल नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो नेपोटिज्म के साथ साथ दादागिरी है और ये दादागिरी को सपोर्ट करते हैं राजीव मसंद जैसे जर्नलिस्ट। हाल में ही तरण आदर्श जी का एक ट्वीट आया जहां पर वो सात फिल्में जो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही थी वहां पर पांच फिल्मों के सितारों के साथ ऑनलाइन चैट करना चाहते थे, एक्सक्लूडिंग विद्युत जामवाल एंड कुणाल कैमू, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो यू नो डोंट डिजर्व टू बी इन दिस चैट विद अक्षय कुमार एंड अभिषेक बच्चन एंड आलिया भट्ट। तो तरण आदर्श और राजीव मसंद जैसे लोग भी भारत के अंदर नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं बॉलीवुड के अंदर, एंड उनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ अनुपमा चोपड़ा जो विधु विनोद चोपड़ा की बीवी है और कहती है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर जानकारी पाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को चुप हो जाना चाहिए क्योंकि ये विच हंट है। तो उस बूढ़ी औरत को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, आप कौन है होती है डिसाइड करने वाली कि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर जानकारी नहीं पा सकते। आप पहले अपने हस्बैंड की फिल्म तो देखिए जो उन्होंने बनाई थी जहां पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया पैसे कमाने के लिए। तो ये लोग ऑब्वियसली, ये तीन जर्नलिस्ट का नाम मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि इन लोगों का एग्जाम्पल है कि ये लोग किस तरह से नेपोटिज्म और बुलीनेस को बॉलीवुड के अंदर सपोर्ट करते हैं। नमस्ते।